हेलो दोस्तों, मैं नवजोत आपका फिर से एक और अपने नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ अखनूर। नई खिड़कियाँ हमने लगवाई हैं, नई खिड़कियों को मैंने प्राइमर किया है, ये आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रही हैं। तो अब इनको शीशे लगवाने हैं। कल रात को बारिश हुई, अच्छी ठीक ठाक बारिश हुई। जब बारिश होती है, जब शीशे ना हो तो अंदर हवा जाती है, बारिश जाती है थोड़ी थोड़ी, तो बरसात लग गई है। तो उसके कारण मैं सोच रहा हूँ कि इसको साथ में ही शीशे लगवा दूँ। तो इसके शीशे का पता करने के लिए मैं अब अखनूर जा रहा हूँ। कल रात को बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई, ये देखिए गीला दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा आंगन है, वो धान की फसल है लगाई हुई है, उसमें पानी खड़ा है। तो काफ़ी दिन बाद बारिश हुई है, तो अब बारिश हो गई है तो इसके बाद में हम और चारा, बाजरा, धान की फसल लगाएंगे। तो फिलहाल अब मैं अखनूर जा रहा हूँ ताकि अखनूर जाकर जो शीशे का पता कर सकूँ, शीशे ला सकूँ। तो चलते हैं अखनूर। तो स्कूटी मैंने स्टार्ट कर ली है, आज बड़े दिन बाद स्कूटी स्टार्ट की है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अखनूर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह के 9 बज गए हैं। तो कल मैं गया था अखनूर, मैंने आपको बताया था शीशे का पता करने। तो पता करते करते अंधेरा हो गया, तो मैं रात को मैंने फिर वीडियो नहीं शूट की। तो अब सुबह के 9 बज गए हैं और आज बाहर ये देखिए हल्की 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 बारिश हो रही है। और ये खिड़की है जिसमें अभी लकड़ी के जो पल्ले लगने हैं वो नहीं लगे हैं। आज शायद मिस्त्री आएगा और यहाँ पर वो लगाएगा, और दो दरवाजे भी उसने नहीं लगाने हैं। तो बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। तो कल मैंने अखनूर में पता किया था शीशों का। तो आजकल ज़्यादातर तीन तरह के शीशे हैं जो लगाए जाते हैं। एक तो जो ट्रांसपेरेंट होता है, वाइट वाला, जिसके हम आर पार देख सकते हैं। दूसरा है जी ब्लैक कलर का, और तीसरा है ब्लू कलर का। आजकल यही तीन ज़्यादा शीशे हैं जो ज़्यादातर लोग अपने घरों में लगाते हैं। तो मैंने ब्लैक कलर का तो मना कर दिया, क्योंकि ब्लैक कलर का जो कोई भी कपड़ा हो, कोई चीज़ हो, वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, हीट को अपने अंदर सोंखती है। और अगर ब्लैक कलर के शीशे घर में लगाए जाएं तो घर में जो गर्मी है वो अंदर बढ़ जाती है, इसलिए ब्लैक तो लगाना नहीं है। तो रही बात ब्लू की, तो मुझे लगता है ब्लू में भी शायद तपिश अंदर आती हो, हीट अंदर आती हो। तो मगर मैं ज़्यादा ब्लू शीशों को लगाने की ही सोच रहा हूँ। मगर जो सबसे बेस्ट है वो वैसे ट्रांसपेरेंट वाइट शीशे ही होते हैं, पारदर्शी, जिससे जो हीट है बेशक अंदर आती है मगर वो बाहर भी चले जाती है। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स कर कर बताएं कि घर में कौन से शीशे लगाने चाहिए, ब्लैक, ब्लू या जो वाइट है ट्रांसपेरेंट शीशे, कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और साथ में जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और आज जो कि बाहर बारिश हो रही है, तो बारिश में कोई ज़्यादा काम तो हो नहीं सकता, मगर फिर भी मैंने बारिश के लिए एक काम छोड़ रखा था, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक खिड़की थी जो नहीं लगाई है मैंने, उस पर जो प्राइमर था वो नहीं किया था, मैं आपको अभी बताता हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी लगी कि क्या बताऊँ आपको। तो चलो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा प्राइमर का काम है, खिड़कियों को प्राइमर करना है, तो प्राइमर कर लेते हैं। फिर बाद में प्राइमर के बाद में मैं आपको वो खिड़की बताऊँगा, अभी तो उसको प्राइमर नहीं हुआ है, बाद में वो भी इसी तरह से वाइट कलर की हो जाएगी। फ्रेंड्स, तो प्राइमर करने लगे हैं। प्राइमर से जो मार्बल गंदा ना हो जाए, तो नीचे पुरानी चादरें बिछा ली हैं। इससे क्या होगा कि जो प्राइमर नीचे गिरेगा उससे जो मार्बल है
जो कि गंदा हो सकता है, बाद में फिर साफ़ करने का और ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। उससे अच्छा है पहले ही नीचे चादरें पुरानी बिछा लें, जिससे जो भी प्राइमर गिरेगा नीचे गिरेगा और मार्बल गंदा नहीं होगा। दोस्तों प्राइमर का काम जो था वो पूरा हो गया है। पूरे जो बाहर की ये जो अंदर वाली बरामदे में खिड़की थी इसको मैंने प्राइमर कर दिया है, ख़त्म हो गया। अब बस जो बाहर की एक छोटा सा रोशनदान बचा जिसको मैंने प्राइमर नहीं किया, बाहर की जितनी खिड़कियां थी उनको प्राइमर कर दिया हुआ है। अब अंदर की जो जाली की खिड़की है उनका प्राइमर अभी रहता है, वो भी बाद में करेंगे। तो ब्लॉग में कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि मुझे कौन सा शीशा घर में लगाना चाहिए। तो और इसी के साथ जो हमारा आज का ब्लॉग है वो ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कर कर मुझे बताइए कि कौन सा शीशा हमें घर में लगाना चाहिए। थैंक यू।